नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखो मेरा लक्ष्मी कमल का पौधा मैंने लिया था, उसको मैं वाटर कर रही हूँ। ऊपर से तो मुझे कहीं जगह नहीं दिख रही है, तो वैसे भी सक्यूलेंट को बॉटम वाटर करना अच्छा रहता है। तो मैंने ऐसे एक सिंपल डिश ली है और उसको मैं रख दिया है। देखिए इसको सॉफ्ट हो रही है लीव्स, उसको पानी की जरूरत है, तो ऐसे मैंने इसमें रख दिया है। अब नीचे से 10-15 मिनट में हटा दूंगी। यहाँ पे बालकनी में मैं बांध रही हूँ एक रस्सी, क्योंकि मैं मेरे पौधों को थोड़ा रीएडजस्ट करूंगी। हवा तेज चलती है तो सारे गिर जाते हैं, इसलिए मुझे वहां रखने भी हैं और उसको थोड़ा सेफ भी रखना है। दूसरी तरफ तो जाल आता है जो पिजन नेट है, और इस तरफ वो नीचे गिर जाते हैं, उसको बचाने के लिए मैं रस्सी एडजस्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी तो फर्स्ट ट्राई है, फिर उसको वापस से देखूंगी करके, कहीं ना कहीं एडजस्ट होना चाहिए। देखिए ये सब पौधे ना अंदर की तरफ गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से टूट जाते हैं, तो वो बड़ा दुख होता है। फिर वापस से उनको अरेंज करना, सब करना, मेरे पास वैसे ही बड़े मुश्किल से पौधे चलते हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। ये देखो यहाँ से बांध रही हूँ, उधर से बांध रही हूँ, दो तीन जगह बांध रही हूँ कि ऐसे लेंथ काफी ज्यादा है, और बहुत को धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि मेरे पौधों में एडजस्ट मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं पौधे हटा के भी कर सकती थी, लेकिन मुझे उसको हिसाब से एडजस्ट करना था। वो करने के लिए ही मैंने उसको पौधे लगे हुए ही करा है। अब मैं कर रही हूँ आज इसको, कल वापस से सब पौधे हटाऊंगी, फिर वापस उनको थोड़ा टाइट करूंगी। मैं आज देख रही थी कि एक बार हो जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे इसमें किसी ना किसी की हेल्प लगेगी, तो देखती हूँ किसी को ढूंढ के लाती हूँ। घर पे किसी को बोलूंगी प्लीज मेरा ये बांध दो। मेरे गार्डन में जैसे आपको पता ही है, मैं भी किसी को घुसने नहीं देती और लोगों को भी नहीं पसंद है, मैं ही करती रहती हूँ। बस देख के खुश हो जाते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, कोई मना कुछ नहीं करता है। तो इस वजह से देखो यहाँ से ऐसे घुमा उमा के कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ उसमें जो क्रैक्स है उसमें कुछ फिल करके पेंट करूँ। आप मुझे आइडिया दो कैसे कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ उसमें थोड़ा वॉल पुट्टी फिल करके फिर पेंट कर दूँ, पर मैंने कभी किया नहीं है। लेट्स होप हो जाए। अभी दिसंबर में मुझे ज्यादा पौधे छेड़ने भी नहीं है, इसलिए मैं ये सारे काम तो कर सकती हूँ ये टाइम में। कुछ पौधे हैं जिनको रिपोर्ट करना है, पर अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो आए अभी हैं, थोड़े दिन ही हुए हैं उनको आके। अब जैसे जैसे पौधे रखे जाएंगे वैसे वैसे उसको रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एक ही कंटेनर में दो तीन विंटर प्लांट्स ऐसे लगाए हैं क्या? अगर लगाए हैं तो प्लीज सजेस्ट करिए कौन कौन से, किस तरह से पौधे एक ही कंटेनर में लगा सकते हैं। मैंने कुछ सोच रही हूँ अब की बार थोड़ा कुछ करने का, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर प्लांट की केयर अलग होती है, तो हर प्लांट को अलग कंटेनर देना चाहिए, पर कुछ लोग एक साथ भी करते हैं। ये वाले एरिया बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं यहाँ से आज साफ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही कर सकती हूँ, पूरा रोज मैं मतलब एक साथ में पूरी बालकनी मेरे में कैपेसिटी नहीं है। कुछ लोग हैं जो फटाफट सारा कर लेते हैं, मैं वैसे नहीं कर सकती हूँ। और ये एरिया मैंने देखिए ऐसे डेवलप किया है अभी, क्योंकि कुछ कुछ लिमिटेड एरियाज में ही धूप आ रही है हमारे यहाँ पे, और ये शाम का टाइम है, तो शाम को भी देखो इतनी धूप आती है। दिन में इस बालकनी में धूप नहीं आती है, ब्राइट रहता है पर धूप नहीं आती है। मोस्टली यहाँ पे मेरे इंडोर प्लांट्स ही ज्यादा चलते हैं, पर समर्स में बहुत तेज हो जाएगी तो फिर इंडोर प्लांट्स जो मतलब जो मनी प्लांट और इस तरह के लो लाइट प्लांट्स होते हैं ना, उनको फिर मूव करना पड़ेगा मुझे। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी के लिए तो यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ। ये देखो ये भगवान जी की प्लेस अभी तक मैंने फिक्स नहीं करी है,
मुझे एक जगह फिक्स करनी है और ये स्टैंड में पीछे सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ये कलांचो है, मैं लाई थी, मतलब ऑर्डर किया था। इससे मैं दो लीफ प्रोपगेट करने का ट्राई कर रही हूँ। इसमें कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जिसमें लीफ में ही प्लांट आ जाते हैं, तो मुझे नहीं पता ये वाली वो वैरायटी है कि नहीं है। और अब मैं देखा मेरे पौधों में पानी की कमी लग रही थी, तो मैंने पपीते के छिलके रखे थे, तो वही पानी मैं डाइल्यूट करके पानी के साथ दे रही हूँ सब पौधों को। और ये मैं जब भी सीडलिंग में डालती हूँ, मुझे भूल ही जाती हूँ कि मुझे केयरफुली डालना है, और वो बेचारे पिचक जाते हैं। अगली बार यार मैं सीरियसली जल्दी बीज उगाने वाली हूँ, मुझे ना पेशेंस ही खत्म हो रहा है। मुझे लग रहा है विंटर्स खत्म हो जाएंगी, तब तक इसमें फूल आएंगे, फिर मैं क्या ही फूल देखूंगी। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो रहा है, पहले मुझे पता नहीं था बीज कैसे उगाते हैं, अब की बार उग रहे हैं वो एक बड़ी बात है। ये देखो हमारे चाइनीज वॉलेट में भी फूल खिले हैं, और यहाँ पे भी देखो ये सब फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। अच्छे से सब अरेंज करने की ट्राई कर रही हूँ, पानी दे रही हूँ जहाँ जिन जिन पौधों में जरूरत है। विंटर्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ पौधे होते हैं जो उनको पानी चाहिए होता है, और उसमें अगर आप पानी देना भूल जाओ तो वो फिर खराब हो जाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे आ जाते हैं जिनको पानी बिल्कुल कम चाहिए होता है, तो फिर वो उसमें भी वो खराब हो जाते हैं। तो मतलब सब चेक करके मैंने तो ऐसा रूल बनाया कि जो ऊपर का सॉइल थोड़ा सूखा लगेगा तभी पानी डालूंगी, स्पेशली इन विंटर्स। समर्स में तो प्रॉब्लम होती नहीं है, समर्स में तो इनफैक्ट मुझे लगता है 2 बार यहाँ पानी देना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, पौधों के लिए हम करेंगे, इतने उससे घर पे लाए हैं तो उनका ख्याल भी रखेंगे ना, वरना अच्छा नहीं लगता है। एक फनी बात है, मैंने चैनल शुरू ही करा था, एक या दो ही वीडियो डाले थे, तो किसी ने मुझे ऐसा कमेंट दिया था कि तुम क्या अपने पौधों को पानी भी नहीं दे सकती हो, ऐसे वैसे। तो मतलब एक्चुअली ऐसा ही है, कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा होता है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, घर का भी सब काम होता है, तो मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है कि मैं पौधों को पानी भी दे सकूं। ये तो अब मैंने, क्योंकि ये मैं वीडियोस चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, मैंने खुद को रूल बनाया है, इसलिए कुछ भी हो जाए, अगर मैं कहीं जाऊं भी तो मैं शाम को आके पौधों को देखती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं आगे कुछ करती हूँ। अब मैंने खुद को उतना फोर्स करके कर रही हूँ, पर फिर भी नहीं कर पाती। शौक मुझे बहुत है, हम पहले जहाँ पे रहते थे वहां पे बालकनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, खाली विंडो में थोड़ा बहुत था, तो वहीं पे हम खाली तुलसी जी रखी थी और एक दो पौधे रखे थे। तो यहाँ आके तो इतनी बालकनी देख के, इतनी सारी जगह देख के, तो आप मुझे समझ सकते हो स्वर्ग मिल गया है, पर उस स्वर्ग को अगर मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँ तो फिर क्या फायदा। खैर, बहुत सारी बहुत बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए मेरा गार्डन थोड़ा शेप में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है 2 महीने हो गए हैं मेरे काम करते हुए, काफी कुछ सीख भी रही हूँ और काफी कुछ कर रही हूँ। ये देखो, ये सदाबहार का पौधा मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत पिछले साल मैं लाई थी, मेरे को पता नहीं था कैसे केयर करनी है, और हमारे जो माली भैया आते थे उन्होंने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली माली भैया को भी बुलाओ तो हम लोग को ही लगना पड़ता है, अगर हम उनपे छोड़ देंगे तो वो लोग भी नहीं करेंगे, मतलब पौधे तो हमारे हैं ना, वो क्यों ध्यान देंगे। सही बात है, तो इसी वजह से मेरे पौधे काफी खराब हुए थे। अभी मैं डेडिकेटेडली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट, मेरा रूल है कि मिनिमम 10 मिनट मैं निकालू, फिर जिस दिन टाइम है, जैसे आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सब करा। अच्छा देखिए, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ये दोनों पौधे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, हाँ बहन चुगली कर रहे हैं। मिलते हैं अगली बार।